इस बीच बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से मिल रही है, जहां पर लगातार लोकसभा और दोनों विधानसभा उपचुनाव पर मतगणना जारी है और लगातार बीजेपी को निराशा हाथ लग रही है। और इसी बीच में समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव का भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैनपुरी के मतदाताओं का आशीर्वाद जो मिला है उसके लिए धन्यवाद, और उन्होंने अपार जन समर्थन के लिए सभी का आभार व्यक्त किया है। जसवंत नगर के लोगों को भी उन्होंने धन्यवाद दिया है। सम्मानित जनता ने डिंपल यादव को जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए शिवपाल सिंह यादव ने धन्यवाद दिया है। तो इस बीच बड़ी खबर उत्तर प्रदेश मिल रही है, जहां पर शिवपाल यादव ने ट्वीट कर जनता का आभार व्यक्त किया है। मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं से मिले आशीर्वाद स्नेह और अपार जन समर्थन के लिए सम्मानित जनता, शुभ चिंतकों, मित्रों और कर्मठ कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त। ये शिवपाल सिंह यादव का जो ट्वीट आप देख रहे हैं। और जसवंत नगर की सम्मानित जनता द्वारा श्रीमती डिंपल यादव जी को जो वोट दिए हैं उसके आशीर्वाद के लिए जसवंत नगर वासियों का सहृदय से धन्यवाद दिया शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट किया है। लगातार समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए हुए हैं, तीनों सीटों पर बीजेपी को निराशा हाथ लग रही है, और अगर ये जो शुरुआती रुझान है नतीजों में घोषित हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर ये बीजेपी की बड़ी हार होगी, बीजेपी की निराशा होगी। और इसके अलावा ओडिशा की बात करें, वहां भी बीजेपी पीछे चल रही है, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी पीछे चल रही है, राजस्थान में भी बीजेपी पीछे चल रही है, हालांकि बिहार की सीट पर जरूर बीजेपी आगे चल रही है। तो जो पांच राज्यों की छह सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं वहां लगातार बीजेपी को निराशा मिल रही है। और इसी बीच लगातार मैनपुरी लोकसभा सीट से डिंपल यादव रिकॉर्ड मतों से आगे चल रही है, बता दें कि 1,00,000 वोटों से आगे चल रही है। और डिंपल यादव को जो अपार जन समर्थन मिला है उसके लिए शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट किया है, जनता को धन्यवाद दिया है। इस बीच बड़ी खबर ये उत्तर प्रदेश से मिल रही है, जहां पर शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट किया है, जसवंत नगर की जनता को आभार व्यक्त किया है, जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपार जन समर्थन दिया है उसके लिए, जनता का आशीर्वाद जो मिला है उसके लिए शिवपाल सिंह यादव ने धन्यवाद किया है, आभार व्यक्त किया है जनता का। बता दें कि मैनपुरी से डिंपल यादव नया रिकॉर्ड, नया इतिहास लिखने वाली है, और लगातार वो 1,00,000 वोटों से आगे चल रही है, ये अब तक के जीत से बेहद बड़ी जीत है। बता दें कि मुलायम सिंह यादव की जो मार्जिन रही है जीतों की उससे कई गुना आगे निकल चुकी है डिंपल यादव, क्योंकि इसी सीट से नेताजी मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद रहे हैं, लोकसभा के सदस्य रहे हैं, और इसी बीच आज उनकी पुत्र बहू डिंपल यादव उसी सीट से पे मैदान में है, लगातार वो 1,00,000 वोटों से आगे चल रही है। बता दें कि मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव में डिंपल यादव लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और 1,00,000 वोटों की मार्जिन से आगे चल रही है, हालांकि ये शुरुआती रुझान है, अगर नतीजे जो आते हैं सामने निकलकर उसमें कितना मार्जिन रहता है, कितना वोट परसेंटेज रहता है, कितने वोट उनको मिलते हैं ये भी देखना बाकी है। हालांकि 1,00,000 वोटों का जो मार्जिन है अब तक के सबसे बड़े मार्जिनों में से एक माना जा रहा है, क्योंकि ये नेताजी मुलायम सिंह यादव की सीट रही है, उन्हीं की पुत्रवधू अब चुनावी मैदान में है, क्योंकि पिछले दिनों नेताजी का निधन हो गया था, उनके निधन के बाद से ये सीट खाली हुई, तो समाजवादी पार्टी ने अपनी प्रत्याशी के तौर पर डिंपल यादव को मैदान में उतारा, तो वहीं बीजेपी ने रघुराज शक को मैदान में उतारा। तो लगातार उत्तर प्रदेश का ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं।